ये हैं सुबैया। क्षमा कीजिए, अब सुब्बा राव, जिसे लोग इज्जत से सुब्बा राव गारू कहकर पुकारते हैं। ये है सुब्बा राव का सुपुत्र रंगैया, अब कामकाज पर लग गया है। वैसे सुब्बा राव को किसी की मदद की जरूरत नहीं। और ये है सुब्बा राव की तीसरी पीढ़ी, यानी पोता कुचैया उर्फ हेमंत कुमार, स्कूल में पढ़ता है। ये नहीं समझिए कि सिर्फ गहने गिरवी रखकर या ब्याज पर पैसे दे देकर ही सुब्बैया आज दुकान का मालिक बना बैठा है। मालिक तो ये और भी कई संपत्तियों का है, लेकिन इसके अतीत का दर्पण है सुब्बैया से सुब्बा राव गारू तक पहुंचने की वो यात्रा, जो जीवन भर चलने के बाद इसने शुरू की और सिर्फ 3 साल में खत्म की। सुब्बैया से सुब्बा राव गारू। ये पेड़ ही साक्षी है सुब्बा राव की सफल यात्रा का। इसकी छाव में होने वाली चहल पहल को कभी सुब्बैया की आवाज खुशी का संदेश देती थी। सुब्बैया की घंटी लोगों के दिलों में सुब्बैया के पुनुकुलू की घंटी बजाती थी। भैया आ गया सुबैया, लेके अपना पुनुकुलू। खाए सारी दुनिया, खाए सुबैया का पुनुकुलू, 5 स्टार पुनुकुलू, पुनुकुलू पुनुकुलू। चलो भाई जाग, चलो भाई आ गया, आ गया सुब्बैया का पुनुकुलू, आ गया, आ गया, आ गया सुब्बैया का पुनुकुलू। पुनुकुलू सुब्बैया का पुनुकुलू, पुनुकुलू पुनुकुलू सुब्बैया का पुनुकुलू, सुब्बैया का पुनुकुलू। लो साहब पुनुकुलू सुब्बैया का पुनुकुलू। ओ सुब्बैया एक पुनुकुलू दो ना। अरे ला साहब सुब्बैया का पुनुकुलू, सब खाए और खाए हो नुलुलू, सुब्बैया का पुनुकुलू। सुब्बैया थोड़ा चटनी और दो। अरे सेहत के लिए पुनुकुलू अच्छा, चटनी नुकसान करती। हेलो जी पुनुकुलू सुब्बैया का पुनुकुलू, स्वाद वाला पुनुकुलू की खुशबू भी बोलती है। सुब्बैया तुम्हारा पुनुकुलू स्वाद में तो नंबर 1 है, लेकिन चटनी नहीं देते हो, एकदम 0। अरे क्या बात करते हो साहब, दाल में ज्यादा नमक डालने से दाल का मजा 0। नहीं क्या? हाँ खाओ। सुब्बैया का पुनुकुलू, सुब्बैया का पुनुकुलू, सेहत के लिए पुनुकुलू, स्वाद के लिए पुनुकुलू, 5 स्टार पुनुकुलू, पुनुकुलू पुनुकुलू, खाओ खाओ पुनुकुलू। चलो आ जाओ मेरे मत बांटना। क्यों, घर जल्दी जाना है क्या? नहीं यार, क्या बात है यार। अरे बात क्या है, पैसे जो खत्म हो गए इसके, इसीलिए मना कर रहा है। और अरे चिन्नप्पा इसके लिए खेल बंद करने की क्या जरूरत है? तो अरे अपना वो महाजन है ना सुब्बैया। वो तो ठीक है, लेकिन वो पैसे जल्दी कहाँ देता है, वो तो बहुत मिन्नतें कराता है। मगर दे तो देता है ना। अरे हाँ यार, लेकिन आज तक मैंने उसका उधार नहीं चुकाया ना। मैंने भी नहीं दिया है। मैंने भी नहीं, मैंने चुका। अरे फिर क्या हुआ, कोई हमारे ऊपर एहसान तो नहीं करता ना उधार देकर? और क्या, ब्याज तो पूरा ही वसूल करता है ना, तभी तो पैसे जोड़ रहा है। और क्या? अरे हाँ, लेकिन वो कहीं भी रास्ते में खड़े हो जाता है और पैसे के लिए तगाजा करता है। तो तू चिंता क्यों कर रहा है? तो अरे अगले हफ्ते तो तू धान बेचेगा। हाँ? धान बेच करके तेरी कमाई होगी तगड़ी। हाँ? बस सीधे जाकर उसका हिसाब चुकता कर। तू ठीक कह रहा है रमैया, मैं मांगता हूँ पैसे। अरे पुलुकुलु पुलुकुलु सुब्बैया का पुलुकुलु, वो तो जा रहा है। अरे कोई सवारी आ गई होगी। अरे कोई मौका नहीं छोड़ा। कितनी कमाई करता है यार, पुलुकुलु बेचता है, ब्याज पर रुपये देता है,
ऊपर से गहने गिरी भी रखो और पैसा किसी का बाकी नहीं छोड़ता है। हाँ। यमराज बहन कर पहुंच जाता है पैसा वसूलने के लिए। चिन्नप्पा तू ये इंतजार कर, अभी आएगा वो। ठीक है बाटो बाटो, 30-30 की, 30-30। चलो 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 बाटो। सुब्बैया का पुनुकुलु, 5-star पुनुकुलु, आओ आओ बेटा, खाओ पुनुकुलु, आ जाओ आ जाओ। ना ना पुनुकुलु चाहिए। हाँ पुनुकुलु चाहिए, शाबाश बेटा। ये लो सुब्बैया का पुनुकुलु, खाओ मजा से खाओ पुनुकुलु। अरे सुब्बैया का पुनुकुलु, राम सीता ने भी जब नदी पार किया था तो सुब्बैया का पुनुकुलु ही खा था। अरे सुब्बैया, राम सीता सरयू नदी पार किए थे या कृष्णा नहीं? अरे भैया नदी कोई भी हो लेकिन पुनुकुलु तो सुब्बैया का ही था ना। अरे भैया सुब्बैया का पुनुकुलु खाए हो नू नू। अरे वाह क्या सुब्बैया का पुनुकुलु है, बहुत अच्छा है। अरे तभी तो नदी पे उतरते ही पहले सुब्बैया का पुनुकुलु खाते, बाद में काम पे जाते। चलो भैया सुब्बैया का पुनुकुलु खाए हो नू नू, पुनुकुलु पुनुकुलु सुब्बैया का वलुकुलु, पुनुकुलु पुनुकुलु सुब्बैया का पुनुकुलु खाए हो नू नू। पुनुकुलु सुब्बैया का पुनुकुलु। क्यों सुब्बैया नदी किनारे धंधा हुआ? अरे बहुत अच्छा धंधा हुआ, अभी क्या है कि इंसान मेहनत मजूरी करेगा ना तो भगवान भी खुश होता है। सच बोले, अभी ग्राहक नहीं तो थोड़ा आराम कर लो। हाँ ये बात ठीक बोला। अरे जीत क्या है ना चिन्नप्पा, लो पोनुकुलु खाओ। नहीं नहीं। अरे हार क्या है तो भी खाओ, सुब्बैया का पोनुकुलु खाएगा तभी जीतेगा ना। नहीं सुब्बैया मैं पोनुकुलु खाने नहीं आया हूँ। मुझे समझ गया, मेरा उधार वापस करने के लिए आया ना तू। अभी अभी देखा मूल था मैं और उसमें ब्याज लगा के 50 रुपया हुआ। सुब्बैया जरा धीरे बोलो, अब मुझे कुछ पैसा चाहिए। अरे कमाल करता है, और पैसा मेरे पास किधर से आएगा, और पैसा कहाँ से देगा? अब बिक्री हुआ ना अभी। अरे कमाल करता है, वो बिक्री का पैसा तेरे को देगा तो मैं सामान किधर से लाएगा? कल को भी तो मैंने धंधा करना है ना। देखो सुब्बैया 4 आना बैज ले लेना, लेकिन देखो मेरा जेब भी खाली पड़ा हुआ है, बहुत तकलीफ में हूँ। देख चिन्नप्पा मेरे को मालूम है तू मेरे को मूल भी देगा ब्याज भी देगा, मगर बात यह है कि वो अगर मगर सब छोड़ो, मुझे पैसा दे दो, तुम्हारा सूद मूल सब सब चुका दूंगा मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कितना चाहिए? 50 रुपया दे दो। अच्छा तेरा भला होगा सुब्बैया, तेरा भला होगा। लेकिन ब्याज 4 आना होगा। मिल जाएगा सुब्बैया, आज ये पत्ता नहीं खेलेगा, सीधे घर जाएगा। अरे रमैया नमस्कार। अरे सुब्बैया तुम क्या? हाँ वो सुबह तुम मेरे को बाहर मिले तो पैसा देना भूल गए, तो मैंने सोचा घर में आके ले आता हूँ। ठहरो, तुम्हारा हिसाब के बनते हैं 60 रुपए। अरे धीरे बोलो। ठीक है
ये लो। पूरे 60 है और भगवान के लिए पैसे मांगने घर मत आया करो ऐसे। अरे जब बाहर लिया हुआ पैसा मेरे को बाहर वापस कर दोगे तो मैं घर में लेने के लिए काहे को आऊंगा। अच्छा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और कैसे हो भाई? अरे नमस्कार अन्ना। अरे सुब्बैया आओ बैठो, तुम्हारे लिए ग्लास मंगवाता हूँ। अरे नहीं नहीं गिलास नहीं, वो क्या है कि इधर से गुजर रहा था तो आप पे नजर पड़ गई तो मैंने बोला कि मिलता चलूं, कुछ उधार बाकी है ना आपकी तरफ। अरे सीधे सीधे क्यों नहीं कहते सुब्बैया कि उधारी वसूल करने आए हो? अरे नहीं नहीं अन्ना ऐसा कोई बात नहीं है, अब अगर आप मुझे कहीं और मिलते तो मैं आपको रोकता क्या? नहीं रोकता ना, अब इधर का पैसा तो इधर ही वसूल करना पड़ेगा ना। मैं अच्छी तरह जानता हूँ सुब्बैया। 30 रुपया। अच्छा 30 रुपए। हाँ। ये 10, ये 20 और ये 30। नमस्कार। अकाउंटर की ओर जा रहा है। 10 रुपया। हाँ। अब इधर की ओर आ रहा है। बीस रुपये। अरे तू बहुत समझदार है। ले लीजिए जी। हाँ। अच्छा नमस्कार। नमस्कार। अरे अवधानी नमस्कार। नमस्कार सुमैया। नमस्कार। अरे नरसिम्हा जी नमस्कार। नमस्कार। अवधानी लाया है। अच्छा अच्छा अवधानी लाया है, ये बोल रहे हो इसका मतलब है कि आज भी मेरे पैसे नहीं दोगे? आज नहीं दोगे तो कब दोगे? कल ही दे दूंगा। अरे कमाल करते हो, कल करते तो इतने दिन आ गए, आज तक मेरा पैसा नहीं मिला। ये शराब पीने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, जुआ खेलने के लिए पैसे हैं, मेरे को देने के लिए पैसे नहीं है क्या? भरोसा करो, कल ही सारा पैसा दे दूंगा। हाँ सुबैया ये सच कह रहा है, कल सुबह धान बेचेगा फिर पैसा दे देगा। मेरा नाम सुबैया है नरसिम्हा, पैसा तो मैं वसूल कर ही लूंगा। अच्छा। नमस्कार नरसिम्हा। नमस्कार सुभार भाई। यहाँ भी आ गए? वो क्या है कि वैसे ही बाजार में आ गया घूमते फिरते, फिर मेरे को याद आया कि तुम भी आज यहीं मिलोगे तो सोचा तुमसे मिल लूं, थोड़ा जेब भारी हो जाएगा ना। वो क्या है कि 125 रुपए। जेब भारी हो जाएगा ना। हाँ भाई आपकी तो जेब भारी हो ही जाएगी। अरे नरसिम्हा अगर मेरी जेब भारी होगी तो तुम्हारा ही फायदा है, जरूरत पड़ने पर तुम्हारी मदद कर दूंगा, फिर चाहिए हो तो आ जाना है। नमस्कार। सुबह से शाम तक प्रतिदिन सुबैया के जीवन का वही चक्र चलता रहा।
पुनुकुलु बेचना, उधारी वसूलना, उधार देना, हर तरह से पैसे पैसे जोड़ना, सुब्बैया का यही एकमात्र लक्ष्य था। वो अपनी साधना में सफल हुआ। उसकी लगन और मेहनत ऐसा रंग लाई कि उसके जीवन का ही रंग बदल गया। सुब्बैया ने अपने कायाकल्प की ये कठिन यात्रा सिर्फ 3 वर्षों की अपनी मेहनत की बदौलत तय की, जिसे देखकर आज पूरा गांव चकित है, विस्मित है। इस कमरे को ताला लगाने की क्या जरूरत है? ये तो पूजा का कमरा है। पूजा का कमरा लेकिन सिर्फ मेरा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे सिवा कोई दूसरा उसमें कदम रखे। कमाल करते हैं पिताजी, पूजा के कमरे को भी आप हिसाब किताब करने वाले के कमरे की तरह ताला लगा के रखते हैं। आप अंदर पूजा कैसे करते हैं? मैंने तो कभी आपको फूल अगरबत्ती ले जाते नहीं देखा है। सिर्फ फूल और अगरबत्ती से पूजा नहीं होती रंगैया, अगर तेरे दिमाग में ये बात आ जाती तो तू ये सवाल ही नहीं करता। चार की मेरी रही, ये मेरी भी, ये मेरी भी चार की। यार सुब्बैया का पुनुकुलु खाए बहुत दिन हो गया ना। अरे सुब्बैया मत बोल, फिर सुबराव गारू बोल। ओ। और अगर तुम्हें पुनुकुलु चाहिए तो वो तेरे पास लेकर आने वाला नहीं है, खाना है तो उसके पास जा। यार सुब्बैया का कमाल ही कर दिया ना, देखते देखते कहां से कहां पहुंच गया और हम यहीं के यहीं रह गए। अरे कमाल तो इस बात का है कि उसने बुढ़ावे में दौड़ना शुरू किया और दौड़ते 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 सड़क से दुकान तक पहुंच गया, लेकिन फिर भी बूढ़ा नहीं हुआ। सही है। और 40 एकड़ जमीन, कई मकान, उस दुकान का मालिक और लाखों का बैंक जमा। एक बात बताओ नरसिम्हा गारू, ये करिश्मा किसका है, सुब्बैया का या उसके पुनुकुलु का? अरे दोनों का है भाई। नहीं, ये करिश्मा सिर्फ सुब्बैया का है। क्या बात है, बड़ी तारीफ हो रही है। क्यों है? उधार लेना है क्या? उधार लेने का। चलो भाई, चलो 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 चलो, ये रही। दादू पुनुकुलु खाना है। अरे बेटा अगर पुनुकुलु खाना है तो पैसा देकर खा, ये ले जा। पुलु पुलु देना। चल वहां जाएंगे। चैया ऊपर क्या कर रहा है? ऊपर क्या कर रहा था? उस कमरे में क्या है बाबा? उस कमरे में क्या है मुझे नहीं मालूम है, तू इस चक्कर में मत पड़, जा पढ़ाई में ध्यान दे।
दादू दादू। हाँ बोल। मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? पूछ बेटा। आप ऊपर वाले कमरे को ताला क्यों लगाते हैं? अरे कब तक पूछता रहेगा तू ये सवाल? जब तक आप सच नहीं बता देते तब तक। अरे बेटा ऊपर वाला कमरा मेरा पूजा का कमरा है। लेकिन आप पूजा का सामान वहाँ लेके जाते ही नहीं। अरे बेटा पूजा बिना सामान के भी तो हो सकती है। फिर आप उस कमरे को ताला क्यों लगा रखते हैं? फिर वही सवाल। देख जब तू इस सवाल का जवाब समझने के लायक हो जाएगा तो मैं तेरे को इसका जवाब भी बता दूंगा। अभी तू अपनी पढ़ाई कर। अरे कुचैया तू? फिर कुचैया बोला? मालूम है ना स्कूल में सब मुझे हेमंत कुमार बोलते हैं। तूने मुझसे पूछ के नाम बदला क्या? बचपन के दोस्त हंसते, तू कुचैया है ना? कुचैया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं इसलिए तो बदल दिया। तू भी मुझे हेमंत कुमार बोल। अच्छा हेमंत कुमार गारू। हाँ अभी ठीक बोला। तेरे दादू को कहना वो घर पे जाके भगवान का भजन करे और तेरे बाबा को दुकान पर बैठने दे ताकि हमें मुफ्त के पुनु कुलू खाने को मिलेंगे। अरे शिवैया मेरा दादू ना रोज सवेरे एक घंटा भगवान की पूजा करता है कमरा बंद करके, और मालूम पूजा का कमरा ताला बंद करके रखता है, किसी को अंदर अलाउ नहीं करता, मेरे को भी नहीं। ये तो बड़ा मिस्ट्री, मगर क्यों? ये तो नहीं मालूम, पूछा तब भी नहीं बताता, कुछ तो सस्पेंस है। पता करना होगा, कौन से देवता की पूजा करता है? कोई देवता नहीं, कोई पूजा का सामान नहीं, फिर भी बोलता है पूजा करता है। तेरे को कैसे मालूम? छेद से देखा था यार, घर में किसी को कुछ नहीं मालूम, इसलिए आखिर देखना पड़ेगा कि उस कमरे में है क्या। तुम यहीं रुको, मैं अभी ऊपर जाके आता हूँ। प्रभु तू तो जानता है कि ये चिथड़ा मेरे अतीत का वो दर्पण है जिसमें ये सुब्बा राव उस सुबैया को हर रोज निहारता है जो वर्षों पहले गांव की सड़कों पर धूल फांकता, खोमचा उठाए फिरता था। प्रभु ये मेरी वो जमीन है जिस पर मैं तब खड़ा था और इसी की बदौलत मैं आज खड़ा हूं। कुचैया क्या देखा? पूजा हो रही है, तुम चुप बैठो, मैं भी ऊपर जाके वापस आता हूं। मेरे पे इतनी कृपा करना प्रभु कि चाहे मैं कितना भी ऊंचा चला जाऊं लेकिन मेरे ये पांव हमेशा जमीन पर रहे। मैं अपने अतीत का दर्पण देखना कभी ना भूलूं प्रभु, कभी ना भूलूं।
आजा बेटा। बेटा तू मुझसे हमेशा पूछा करता था ना कि मैं इस कमरे में ताला क्यों लगा कर रखता हूं। बेटा इस कमरे में मेरे अतीत का दर्पण है बेटा, और मैं अपने अतीत को कभी भूलना नहीं चाहता।